गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आपका ट्रेडिंग गुरु में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी को शेयर करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। इधर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने दो इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, उनकी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि इस वीडियो को क्विट ना करें, इसको स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको जो कुछ स्ट्रेटजीज बताने जाऊंगा, उनकी सेटिंग्स भी है, मैं सेटिंग्स आपको लास्ट में बताऊंगा। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, बट कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ अगर लेंदी मिल रहा है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पैसा कमाने की स्कीम बता रहा हूँ। एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, दिन में एक ट्रेड मिलेगी, लेकिन मैं लिख के देता हूँ 100% प्रॉफिट होगा अगर आप मेरे हिसाब से ट्रेड करेंगे, जो मैं इसमें बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग। दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने आजकल देखा है कि लोग बाग जो इसमें ऊट पटांग वीडियोज जो चलते रहते हैं, उसको दोस्त क्या करते हैं, लोग बाग जो है उसको यूज़ कर ले, उसको देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेने के बाद ही वो उसको देखते रहते हैं और उनको लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, मैं आपको आपकी लाइफ से इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, मतलब मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप देख सकते हैं कि आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए इस वीडियो को, और प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में रोज़ रेगुलर जो है दोस्तों इसमें लाइव ट्रेड भी करता हूँ। आप मेरे साथ लाइव ट्रेड में जुड़ भी सकते हैं और ट्रेड को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं अपन वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। भाइयों और बहनों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों से बार बार एक ही रिक्वेस्ट है। और अब मैं वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, आप लोग भी वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक सेटिंग बदल दूँ जिससे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दोस्तों, मैंने ये सेटिंग बदल दी है, अपन वीडियो पे आ गए हैं, दो इंडिकेटर लगे हुए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये है 17 तारीख का मार्केट। आप देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, एंजल पे बन के उस पर चार्ट खेला हुआ है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं 2 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है। दोस्तों, दो इंडिकेटर्स लगाए हुए, नीले भी स्टॉकिस्ट लगा हुआ है, स्टॉकिस्ट में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है, जो नीचे इंडिकेटर लगा हुआ है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 16 तारीख में। आप देख सकते हैं जब मार्केट इधर ओपन हुआ, ये देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट जो है इस जगह पे ओपन हुआ, और ये देखिए मार्केट ने इस तरीके से गिनना शुरू किया, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इस जगह पे आपको कौन सी स्ट्रेटजी लगानी थी मैं बताता हूँ। मैंने दो इंडिकेटर लगे हैं, एक में हरी लाइन है और एक लाल लाइन, ऐसे समझिए, हरी लाइन और लाल लाइन। आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट ने सबसे पहले, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लूँ मैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मार्केट देखिए, इसने जो अगर जब ये रेड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करना शुरू की, उस समय आप देखिए पहली कैंडल तो ये अंदर थी दोस्तों ये, फिर इसने एक नीचे कैंडल क्लोज की और ये क्लोज़ की और पे दूसरी क्लोज की और थर्ड क्लोज करने के बाद आपको एंट्री लेना है, इस जगह पे आपको एंट्री करनी थी दोस्तों। और इधर से आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा जब ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर देगी, जो इधर पर की है ना, टच करके निकलेगी, उसको क्लोज़ नहीं मानेंगे, जो ऊपर क्लोज करेगी, शैडो क्लोज करना नहीं कहलाता है। आप इधर पे एंट्री रहते, बने रहते, ये देखिए मार्केट इधर घूम गया था, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, ये इधर तक आया मार्केट। अब आपको इधर तक मार्केट आया है, आप देख लीजिए आपने कितना बड़ा प्रॉफिट किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा एक मिनट बस बने रहें, क्योंकि कुछ कुछ ड्राॅइंग्स हटानी भी होंगी मुझे ना। अब आप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इधर पे ये है, ये कैंडल में अगर आपने एंट्री ली होती, ये फर्स्ट कैंडल बनी दोस्तों और ये बन गई उसकी सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल पे आपने एंट्री ली होती तो मैं आपको दिखा, ये इस कैंडल पे, तो इधर से आप एंट्री करते 38,861 से, और आपकी कहाँ पे आप जाके क्लोज़ करते, ये जाके इस जगह पे, क्योंकि ये ऊपर देखिए इसने क्लोज़ नहीं दिया ग्रीन लाइन पर, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये नीचे आके इस जगह पर आप 38,000 इधर से किए थे 868 से, और ये नीचे तक आ गया है कितना, 38,626। और कितनी देर में ये प्रॉफिट मिला ये भी बता देता हूँ मैं आपको, 9:29 पे एंट्री लिया, एग्जिट करने का टाइम हुआ 10:05, आधा घंटे के अंदर आपने देख लीजिए कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। ये तो एक बैक टेस्ट हो गया, एक दूसरा बैक टेस्ट बनाता हूँ मैं आपको दोस्तों, ड्राइंग करके नहीं बताऊँगा मैं, एक्चुअली क्या इसमें थोड़ा बड़ा नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और मैं आपको अब दिखाता हूँ चीज़ों को प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, अभी देखिए दोस्तों, ये दो एक कैंडल बनी इधर पे ये, इसके बाद ये दूसरी कैंडल ने देखिए आउटसाइड पे शुरू किया, तो ये तीसरी, ये मानी जाएगी दूसरी इस जगह पे, और तीसरी पे आपको इस जगह एंट्री लेनी थी दोस्तों, यहाँ पे
38,802 पे। और दूसरे नीचे आपको स्टॉकिस्ट पे क्या देखना है दोस्तों, कि जो ग्रीन, जब आप ग्रीन में एंट्री ले रहे हैं, मतलब अप साइड पे बाय साइड पे ले रहे हैं, तो ग्रीन वाला जो इसका है ना ग्रीन लाइन, वो ऊपर होना चाहिए, डबल इंडिकेशन मिलता है। ये देखिए इसके ऊपर था उस समय, वो आपको एंट्री ले लेना था, एंट्री लेके आपको बने रहना था। देखिए दोस्तों ऊपर ऊपर नीचे हुआ है, मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर ले लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको अच्छे से डिफाइन कर पाऊँगा। एक मिनट, थोड़ा सा आप मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा आपको लगेगा वीडियो लेंदी कर रहा हूँ, बट आपको बताने के लिए ही कर रहा हूँ मैं लेंदी इसे, प्लीज़ बने रहें मेरे साथ। मैं कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ओके, ये आ गया, देखिए ये मार्केट की एंट्री आपने ली होती कहाँ पे दोस्तों, ये फर्स्ट सेकंड कैंडल ने ये दिया ऊपर, और ये सेकंड ये आई इस जगह पे आप एंट्री बनाते दोस्तों। देखिए इधर से मार्केट यू हुआ, फिर यू हुआ, फिर यू हुआ नीचे से, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया। देखिए देख सकते हैं आप मार्केट ने क्या किया है इधर पे, देखिए देखिए मार्केट ऊपर ही चला जा रहा है, बस ऊपर ही चले जा रहा है। ये देखिए आप, मार्केट लगातार ऊपर गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं मार्केट नीचे नहीं लौटा है, फिर आके ऊपर जाता गया है। और ये देखिए आपका स्टॉप लॉस हिट कब हुआ है, जब ये इस जगह पे पहुंचा है, कहाँ पे पहुंचा है, ये आपकी एंट्री इधर तक बनी होती दोस्तों, कितना गजब का प्रॉफिट होता। अब चलिए एक और बैक टेस्ट दिखा देते हैं, अगर आप बैक टेस्ट ही मांग रहे हैं। देखिए दोस्तों ये पहली कैंडल ने बाहर क्लोज दिया है लाल रंग के, ये दूसरी दिया है, तीसरे लाइन पे आपको एंट्री करनी थी, बने रहते। ये देखिए इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, क्योंकि इधर पे रेड लाइन है दोस्तों, और ऊपर जाके क्लोज नहीं दिया है। आप बने रहते ये नीचे जाते, इधर भी आपका देखिए स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये नीचे 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 नीचे, ये इस जगह पर जाके उसने हैमर बनाया। और हैमर पर तो आप दोस्तों आपको खुद एग्जिट करना आना चाहिए, हैमर है, कितना लंबा प्रॉफिट दोस्तों। आपको एक दो ट्रेड मिलेंगी दिन में, लेकिन ज़बरदस्त मिलेंगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये साइडवेज मार्केट को भी बताती है स्ट्रेटजी कैसे। ये 17 तारीख का मार्केट देखिए साइडवेज तक गिरते हुए, मतलब इसमें कोई ट्रेंडिंग नहीं था, इसमें मार्केट खा रहा था अपने बायर्स का, ये सेलर्स का मार्केट था, कि ये गिरा फिर उठ गया। देखिए उसी बीच में चल रहा है, ये गिरा, कोई एंट्री बनी नहीं रही है। देखिए ये गिरा, ये उठ गया, ये गिरा, ये एंट्री नहीं बन रही है इधर, केवल एक एंट्री बनी थी, वो भी एक बहुत छोटी सी रिक्स वाली एंट्री थी। देखिए फर्स्ट कैंडल ने दिया था, सेकंड इधर एंट्री लेते आप 39,000 पे, और इसको आपको आउट करना पड़ता है 39,958 पे, मतलब कि आपको 50-60 पॉइंट का बस मिलता है, फिर ये ऊपर आके हिट कर देता। देखिए इधर एंट्री नहीं मिली, साइडवेज चला, फिर एक एंट्री बनी थी दोस्तों इधर। पहली एंट्री तो ये बनी थी जो बड़ी नहीं थी, वो भी हिट पाई थी, फर्स्ट ने किया था, सेकेंड तो बनी नहीं रही थी, इधर पर सस्टेन कर गया तो हिट कर दिया, इधर बनी थी एंट्री दोस्तों। देखिए ज़बरदस्त, पहली कैंडल ने बाहर लिया, दूसरी कैंडल ने बाहर लिया, तीसरे पे एंट्री मारनी थी इधर से 39,356 से, और बस बने रहो 39,356 से आप जाके एग्जिट करते 39,700 पे। देख लीजिए दोस्तों, केवल एक ही ट्रेड थी दिन में, लेकिन ज़बरदस्त, ये साइडवेज भी बताता है ये स्ट्रेटजी दोस्तों। नीचे से आपको कन्फर्मेशन भी लेना है लगातार, कन्फर्मेशन कैसे लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक इंडिकेटर लगाना है आपके सामने, फिर से लगा रहा हूँ, एक तो वो कंफर्मेशन है, दूसरा कंफर्मेशन इसमें स्टोकिस्ट है। एक मिनट, दो लग गए ये तो। ओके ओके ओके, ये लीजिए दो लग गए थे इसलिए हटा दिया मैंने। ये देखिए आप इधर पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, जब ये आपको फर्स्ट कैंडल बनी, सेकेंड बनी, थर्ड पर एंट्री मारना था। देखिए ग्रीन लाइन जो ब्लू लाइन है वो ऊपर थी, बस आपको एंट्री मार देनी थी, कुछ नहीं करना था, ओवरवॉट जोन में चला गया था। और जैसे ही नीचे गिरती है, देखो जो ओवरवॉट जोन कहलाता है, ऊपर रहा लगातार, नीचे गिरने लगा, आप आउट कर दो ना खुद ही दोस्तों। मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मैं आपको एक दो बैक टेस्ट और बता देता हूँ, उन्हें भी आप देख लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, फिर मुझे बताइए कि मैंने जो आपको बताया वो सही है कि गलत। ओके दोस्तों, ये लीजिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, 15 तारीख का मार्केट, ठीक है दोस्तों, 15 तारीख के मार्केट्स पे आ गए। ये देखिए दोस्तों, इधर पे मार्केट रेगुलर सबको कर रहा है, कोई भी ट्रेंडिंग नहीं है, कोई भी एंट्री बनी नहीं रही आपको दिख रहा है। अब एंट्री इधर बनी थी एक,
ये देखिए दोस्तों, इसकी पहली कैंडल ने रेड के नीचे को दिया, दूसरी कैंडल थर्ड कैंडल पे एंट्री मारनी थी। आप इधर से एंट्री मारते बने रहते, देखिए अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, बने रहते। ये इधर पे आपके स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से हिट नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि ऊपर क्लोज़ नहीं किया है। आप देख सकते बहुत अच्छे से जूम करके देख लें, इसने ऊपर क्लोज़ नहीं किया है, शैडो ही है ऊपर। और आप बने रहते और आप देखिए इधर पे भी बने रहते, आप कहाँ निकलते आप ये देखिए, खुद ही देखिए। ये ट्रेड आपके करीब करीब इस जगह पे जाके एग्जिट होती दोस्तों, ज़बरदस्त प्रॉफिट आता आपको। इस तरीके से आप बार बार देख सकते हैं, जगह जगह पे देख सकते हैं। नीचे से आप स्टॉक इससे भी कन्फर्मेशन, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ट्रेड बनी थी। ये देखिए आप फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने बाहर क्लोज दिया ग्रीन लाइन के, थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री मारनी थी, थर्ड कैंडल पे आप इधर एंट्री मारते बस। उसके बाद आप देख लीजिए कहाँ तक जाती है आपकी एक्ट्री, ये देखिए। और फिर नीचे करके इधर दिया, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केट इधर से गिरने लगा है। हैमर बना दिया इसने, एक देखिए बनाया प्रॉपर एक तरीके से, बस गिर रहा है, आपको एग्जिट मार देना है। और ये जहाँ पे एंट्री थी कि ग्रीन चल रही थी, जैसे ये नीचे इधर शुरू हुआ, देखिए इधर से कट भी कर गया, एग्जिट दिखा रहा है आपको। ये देखिए ब्लू लाइन नीचे आ गई है, और जो इसकी वाइट वाली लाइन है, आप जिसको बोल सकते हैं वो है क्रीम लाइन, वो ऊपर हो गई है, तो आपको एग्जिट मार देना है दोस्तों। मेरी स्ट्रेटजी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं लास्ट में इसकी सेटिंग बताने जा रहा हूँ। मैंने इधर पे नीचे जो स्टॉकिस लगाया है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, और जो ऊपर जो लगाया है मैंने मूविंग एक्सपोनियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया है, एक्सपोन्स है ना, इसको लगाने के लिए मैंने दो लगाए इधर पे एक और सेकंड, कुछ नहीं किया है मैंने दोस्तों। इसकी सेटिंग्स में आपको चेंज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इधर पर अलग किया इसको, ये गया मुझे इधर पर, आपको सर्च करना EMA, और बस इसके ऊपर एक क्लिक करना है, फिर एक बार क्लिक करना है, फिर आपको EMA लगाना है, ये इस पर क्लिक करना है, दो कर लिए। इसकी सेटिंग्स पे जाना है, इनपुट पे जाना है, इधर आपको कुछ नहीं करना है, केवल 8 लिखना है। इस पर नीचे वाले पे आपको रखना है हाई, और बस इसको सॉरी एक और करना है, स्टाइल में जाके आपको हाई वाले को ग्रीन कर देना है, और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है लाइन को, ठीक है। देन सेकेंड पे जाना है, ये करना है आपको, इनपुट पे जाना है, इधर भी आपको जो है 8 लेना है दोस्तों। इधर पे क्लोज़ की जगह आपको लो करना है, स्टाइल में जाके आपको रेड कर देना है, इसकी जिसको थोड़ा चौड़ा कर देना है। और ये देखिए आप, ये आपकी लग गई सेटिंग दोस्तों। स्ट्रेट इससे आप ट्रेड करके देखिए, आपको प्रॉफिट होगा, मैं लिख के गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आपका दोस्त आपके साथ, आपके लिए वीडियो लेके आया था। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ करिएगा एक छोटे भाई की चैनल को, आप भाई और बहनों एक ही रिक्वेस्ट है, कोई अच्छा अगर कुछ बता रहा हूँ, पता है मेरी बहुत सी मिस्टेक होंगी, जो आप सोच रहे होंगे किस तरीके से वीडियो बना रहा है, जो मैं बना पाया वो मैंने बनाया, पर इस स्ट्रेटजी पे मैंने बहुत दिन काम किया है तभी स्ट्रेटजी बनाई है। ये आपको प्रॉफिट ना दे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। मैं इससे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर भी आप अपनी जानकारी डालिएगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपकी ट्रेड कराऊँगा और मेरे साथ लाइव आके भी ट्रेड करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। आपका दोस्त ट्रेडिंग गुरु, बाय बाय।